आज मैं आपको बालाजी मंदिर एरोली में तमिलनाडु का स्पेशल खाना तो दिखाने वाली हुई, और क्योंकि ये मंदिर का खाना है तो इससे हम रिव्यू तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रसाद है तो ये तो अच्छा ही होता है। बट मुझे आज यहाँ पे एक अनोखी परंपरा के बारे में पता चला जो तमिलनाडु में होती है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि काश सारे बच्चे इस परंपरा को फॉलो करें हमारे देश में तो कितना अच्छा हो। आज के संध्या में 21 डिशेस जो है वो तो मैं आपको दिखाने वाली ही हूँ, लेकिन इस परंपरा को जानना बहुत जरूरी है, जिसे कहा जाता है षष्ठी अप्तपूर्ति। आपको बहुत मजा भी आएगा। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं खाने में। हाय नमस्ते, जय श्री राम। आई एम राजा फ्रॉम लंबोदरा कैटर्स। वी ऑल्सो ऑपरेट एज रमणा कैटर्स अंडर टू नेम्स। आवर स्पेशलिटी इज ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड। सो एज यू नो, साउथ इंडिया हैज गॉट 4 डिफरेंट स्टेट्स एंड 4 डिफरेंट टेस्ट ऑल्सो। सो वी सर्व टू एवरी पैलेट, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक एंड केरला। यहाँ पे ये केले के पत्ते पे ब्रेकफास्ट के आइटम सर्व किए हैं, और ये है सेवई। दिस इज प्लेन सेवई, बट ये सेमिया जो होती है वो नहीं है, एक्चुअली राइस है ना, यानी कि चावल, उसकी पहले सेवई बनाई जाती है, फिर उसको बॉईल करके तड़का दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश है ये साउथ में। तो ये है प्लेन सेवई, और इसी तरीके से ये है लेमन सेवई। तो इस तरह की कोकोनट सेवई भी होती है, इमली भी ऐड करते हैं उसमें। और ये है व्हीट हलवा, उसके साथ में चाय है, कॉफ़ी है। और ये एक और चीज़ है यहाँ पे, दिस इज़ मोर कोलंबो। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ दही में कुछ तड़का देते हैं, और उसको ही इसके साथ में कंबाइन करके खाया जाता है। उड़द की दाल दिखाई दे रही है, राई दिखाई दे रही है इसमें, इसमें भी उड़द की दाल है, गाजर दिखाई दे रही है इसमें, एंड राई करी पत्ता का तड़का है, हरी मिर्च दिखाई दे रही है। ये जो कॉम्बिनेशन में हमने खाया है, तो जो मोर कोलंबो, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली, इसमें डाल के खाया तो उसका टेस्ट ही इसमें आ गया, बिकॉज ये प्लेन फ्लेवर है, और इसका जो फील आ रहा है ना मुंह में, इट इज़ लाइक जैसे हम सेवई खाएं, एकदम सॉफ्ट वाली सेवई का उपमा भी बनाया जाता है, तो उस तरीके का फील है। इसके साथ में डिफरेंस ये है ना कि इसमें लेमन फ्लेवर है, दिखने में कलर इसका येलो है। इसके अलावा ये व्हीट हलवा भी है यहाँ पे। What we are having right now is a typical South Indian breakfast spread. We have 5-6 items. We start with a wheat halwa. What you see here is halwa made in Mumbai, but this origin is in Tirunelveli, a place called Tirunelveli in Tamil Nadu. Okay. But the same halwa, same recipe, tastes entirely different. You know, the consistency is different, taste is a bit different. That you get only in the place called Tirunelveli, because it is made from the water of the river called Tamirapparani, which runs in Tirunelveli district. Okay. So, however you try anywhere in India, nothing comes close to that. This is good. Of course, what you made here is pretty good, okay, healthy. But I would recommend everybody in India to have a taste of that Tirunelveli halwa. Wow. आप अगर मिठाई शॉप्स में जाओगे ना, तो हलवा मिलता है वहाँ पे तरह तरह का, तो वैसा लग रहा था देखने में, बट खाने में कम्प्लीटली डिफरेंट। व्हीट हलवा है, यानी कि गेहूं के आटे का हलवा है, तो काफ़ी सॉफ्ट है, और जब हम बाइट लेते हैं ना इसका, तो हम यूजुअली आटे का हलवा बनाते हैं, कड़ा भी बोलते हैं उसको पंजाबी में, वो ही टेस्ट है। बट इसको शेप दिया हुआ है, और थोड़ा सा ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है इसमें। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, क्योंकि फर्स्ट बाइट जब लिया तो काजू का क्रंच आ रहा था इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड षष्ठी अप्तपूर्ति। इट इज़ ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 60th बर्थडे, when the gentleman person steps into 61st birthday, it is celebrated something like Ayushyamam. What you do for the first birthday, na, same rituals are repeated more or less. It is a 2-day function. The previous day we have called something called as Rudrabhishekam. Rudrabhishekam, there we all pandits, brahmins, they chant the Rudrabhishek, and the Homa Havan is done. तमिलनाडु में खाना परोसने की एक रीत, एक ट्रेडिशन है, एक तरीका होता है, और उसी तरह खाना स्टार्ट करने की और खाना खाने की भी रीत होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वीट से। तो ये यहाँ पे पाल पैसा इन्होंने दिया है जो हम डिजर्ट में खाएंगे, बट स्टार्ट करना है स्वीट से, इसलिए पहले इट इज सर्व्ड पर्टिकुलर सीक्वेंस। इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस। वी स्टार्ट विद द पायसम, देन वी सर्व टू पचड़ीज, दैट सॉल्टेड पचड़ी पहला रायता, देन वी सर्व द फ्रूट पचड़ी। और यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें जो दी है, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। तो ये है पचड़ी, आप इसको रायता बोल सकते हो। तो ये भिंडी की पचड़ी, एंड दिस इज फ्रूट सैलड, फ्रूट पचड़ी जो यहाँ पे बोलते हैं जैसे। ये है अवियल, ये है अवियल, और ये है बैंगन करी,
एंड करी डजंट मीन एसेंशियली कि आप वो पतली वाली ग्रेवी तली रस्सा जो होता है, यहाँ पे करी इज के ए आर आई, तो यहाँ पे ये बैंगन की करी ऐसे बोलते हैं, तो इट इज़ अ ड्राई वेजिटेबल एक्चुअली, और उसी तरह का ये पोटैटो हॉट करी है। एंड आफ्टर दिस वी कम विद समथिंग हॉट एंड फेरी, दैट इज पोटैटो हॉट करी, इट इज आलू की सब्जी, मेड अ लिटिल बट स्लाइटली डिफरेंट, इट इज अ वेरी हॉट एंड स्पाइसी। वी गॉट वन मोर सब्जी, ब्रिंजॉल हॉट करी, इट्स ड्राई ब्रिंजॉल की करी है। सांबार और चावल भी दिए हुए हैं, बनाना चिप्स, दाल वड़ा, आंवले का अचार एंड दिस इज लड्डू। बिफोर पुटिंग राइस वी गिव दाल, ओके, ऑन दैट तूर का दाल है ना, देन वी टॉप इट विद घी, देन सांबार, दिस इज द फर्स्ट कोर्स। चलिए शुरू करते हैं खाना। तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ पोटैटो हॉट करी, बैंगन करी, तो सर राइस में मिक्स कर लूँगी। पहले भी मैंने एक वेज तमिलनाडु थाली खाई थी माटुंगा में, अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप देख सकते हो, तो वहाँ मुझे पता चला था कि जब चावल सर्व करते हैं तो इसको भी तीन या चार पार्ट्स में खाते हैं। जो पहले पार्ट में खाते हैं वो है सांभर के साथ, उसके बाद में दाल के साथ में खाते हैं, एंड देन यू हैव इट विद बटर मिल्क, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वैसे ही मैं भी खा रही हूँ, सांभर के साथ मैंने खा लिया है, सो नेक्स्ट मैं भी दाल के साथ खा रही हूँ। इट इज़ प्लेन सिंपल तूर दाल, जस्ट बॉइल्ड, नमक के साथ में एंड हल्दी। इसको चावल में डाल के ऊपर थोड़ा घी डाल के खाया जाता है। बनाना चिप्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। कोकोनट ऑयल इज वेरी वेरी यूनिक टू पीपल फ्रॉम केरला, बट फंक्शन वेरिंग टूडे दे आर दिस पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, सो दे डोंट प्रिफर कोकोनट ऑयल, सो दे वॉन्टेड इट इन रिफाइंड ऑयल, सो दिस इज नॉट इन कोकोनट ऑयल, बट दिस बनाना चिप्स टेस्ट बेस्ट वेन इट इज फ्राइड इन कोकोनट ऑयल। देयर इज दिस दाल वड़ा, अप्पलम विच इज पापड़ फ्राई किया हुआ, देन मिक्स्ड वेजिटेबल इन ए कोकोनट ग्रेवी, दैट इज अवियल, टिपिकल साउथ इंडियन डिश। वी यूज स्पाइस पम्पकिन, सेंगा, कैरेट, बीन्स, पीस एंड कच्चा और रॉ बनाना, सो मेनी थिंग्स आर पुट इन कोकोनट ग्रेवी एंड कोकोनट ऑयल। द मोस्ट पॉपुलर डिश ऑफ साउथ इंडिया अवियल, विच इज अ मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये है भिंडी पचड़ी। फ्राइड भिंडी है, रायता बना के दही का उसके ऊपर डाला है, राई का तड़का है उसमें, और ये फ्राई भिंडी बहुत अच्छी लग रही है रायते में डाल के, शुड डेफिनेटली ट्राई इट होम एज वेल। ये है फ्रूट पचड़ी, सो अनार दिखाई दे रहा है इसमें, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, फ्रूट कस्टर्ड बोल सकते हैं आप इसको, आंवले का अचार भी सर्व किया है यहाँ पे। सेकंड कोर्स इज यू सेम राइस विद रसम। हाँ, तो रसम एक्चुअली पतली कंसिस्टेंसी की होती है, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव भी होती है। एक्चुअली एक पार्ट सांभर के साथ खत्म करके राइस का, फिर दाल के साथ सेकेंड पार्ट को ख़त्म करते हैं, थर्ड पार्ट रसम के साथ खाते हैं, फोर्थ पार्ट बटर मिल्क के साथ खाते हैं, बट मैं आपको दिखाने के लिए सब थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ और मैं बाद में सब एक साथ खाने वाली हूँ। थर्ड कोर्स राइस विद बटर मिल्क, ओके, यू वुड से राइस 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 बट इट टेस्ट डिफरेंट, ओके, एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, डिफरेंट टेस्ट, ओके, इट्स एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस, एंड देन आफ्टर एवरीथिंग इज डन वी वांट टू टॉप इट अप विद दैट पायसम, इन अ कप ऑफ पायसम। South Indians, you know, normally say you like to have it like this in the plate mein and lick it this way. It tastes best. Huh? Yeah. When poisam is hot and the plate, no, leaf is fresh and green. So the combination is great. Paal paisam, yani ki chawal ki kheer. Creamy hai, but bahut light hai. Aaram se 3-4 katori aisi bhar ke pee sakte hai. अनलाइक द अदर खीर जो पका पका की गाढ़ी की जाती है, वैसे नहीं होती है ये साउथ इंडिया में, यूजुअली बहुत टेस्टी है। एंड ऑन दिस डे प्रॉपर, द डे प्रॉपर 60th बर्थडे, इट इज लाइक समथिंग लाइक ए मैरिज रिचुअल्स, यू नो, नॉर्मली पेरेंट्स कंडक्ट द मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन, हियर ऑन द पेरेंट अचीव कंप्लीट द 60th बर्थडे, बोथ द पेरेंट्स, द चिल्ड्रन
they conduct the marriage of the parents. So all the rituals which is done for the children is more or less repeated, okay, including what we saw right now is, you know, that Mangalsutra. So everything is done, okay. Now the parents, the children actually pay back their parents, okay. That is the beauty of our Sanatana Dharma, okay. Blessed children get an opportunity to do like this. So the children of Mohan sir and Kalyan madam, they are really blessed. So they got this opportunity to celebrate their Shashtadhipati of their parents. So jab age ke 60 years ho jate hain aur bachche as a token of respect and gratitude apne parents ke liye ye karte hain, to ye kitna acha experience hai. और ये है बालाजी लड्डू, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश दिखाई दे रही है, आई थिंक देयर इज काजू. तो जो बूंदी है बेसन से बनाई गई है और लौंग की खुशबू आ रही है इसमें. घी में बना हुआ लड्डू है, बहुत बढ़िया. साउथ इंडिया में मैंने देखा है जब भी वेज फूड की बात आती है ना, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स ये लोग खाते हैं, बहुत अच्छे से उनका बैलेंस डाइट होता है, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाते हैं, न्यूट्रिशियस तरीके से बना के खाते हैं, ऑयल वगैरह कुछ उसमें ज़्यादा होता नहीं है. जो एक्चुअली वेजिटेबल है, जो एक्चुअली सब्जी होती है, उसका टेस्ट उसमें आता है. अब आप सोचो ना, भिंडी पचड़ी यानी कि भिंडी का रायता, तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि बना है, बट ये इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है. जो सारी सब्जी है ना, हल्की सी चटपटी है और खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है. मुंबई, नवी मुंबई, थाने, कहीं भी किसी भी अपने सेलिब्रेशन में या फंक्शन में, मैरिज में, ये नीचे दिए हुए डिटेल्स पे आप ऑर्डर कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको अपलोड कर दूँगी. वी ऑर्गेनाइज फूड एंड सर्विस फ्रॉम ए टू जेड सर्विसेज, मैरिज, एनी रिलीजियस फंक्शन, सोशल फंक्शंस. वी डू अ फुल पैकेज, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टेस्ट एंड बेस्ट इन सर्विस. आवर पंच लाइन इज लंबोदरा कैटर्स, सिंपली ग्रेट फूड. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जो ट्रेडिशन है इनका, बिकॉज इससे क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं ये अपने पेरेंट्स से और अपने रिलीजन से, अपने ट्रेडिशन से और अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं. उसी खुशी में आज का ये सेलिब्रेशन है. तो अब मैं अपना खाना इन्जॉय करती हूँ. होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. ऐसे ही इंडिया के अलग अलग फूड क्यूजिन्स के भी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए. इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए आपको क्या बात आज के वीडियो में अच्छी लगी है, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को. जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए होप यू एंजॉय करो.